Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज करियर मोड खेलने वाला है एंड तीन मैच पे 93 रन बनाया. बैटिंग यहाँ पर मुझे मिल चुका है. बड़ौदा के साथ मैच है. बड़ौदा टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया एंड 7 ओवर 3 बॉल पे ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुका है 41 रन पे. एंड मैं आते ही भाई आते ही पहली बॉल पे शानदार सा ड्राइव 4 रन. पिछली मैच पे जहां पर छोड़ा था इस वाली मैच का स्टार्टिंग मैंने वहां से करा भाई. क्या शॉट लगाया बाय द वे. इस वाली मैच पे मैं जॉस हेजलवुड के एक्शन के साथ बॉलिंग करूंगा. पिछली मैच पे जोफ्रा आर्चर वाला एक्शन के साथ किया था एंड मुझे 3 विकेट मिला था. अगर आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखो तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, देख लो. जॉस हेजलवुड वाला एक्शन के साथ देखेंगे कितना विकेट मिलता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे पूरा करियर मोड पे कौन सा वाला एक्शन रखा जाए. वैसे जोफ्रा आर्चर वाला एक्शन बहुत सही था यार. कॉमेंट सेक्शन पे अपना अटेंडेंस लगा देना, तभी मुझे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देख रहे हो. एंड यहाँ पर व्हाइट बॉल एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे करियर मोड की वीडियो यहाँ पर आता रहता है. एंड यहाँ पर भाई डॉट बॉल बढ़िया गेंद था. फर्स्ट बॉल पे 4 रन मारने के बाद खास कुछ कर नहीं पाया अभी तक. ओके अगेन डॉट बॉल. वनडे मैच है, ज्यादा हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. बॉल बहुत ज्यादा मिलेगा बट एक क्या अनोखा शॉट एंड 4 रन. फाइनल पे फील्डर नहीं था इसीलिए रिस्क लिया बट बढ़िया 4 रन. वैसे यहाँ पर हरा भरा पिच पे मैच हो रहा है भाई. ग्राउंड से ज्यादा घास तो पिच पे लग रहा है. बढ़िया शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव बट सिंगल मिलता हुआ. यहाँ प्रिंस आया है. यहाँ पर पहला बॉल प्रिंस का. गुड बॉलिंग प्रिंस. प्रिंस का बॉल वैसे बहुत सही है यार. एंड यहाँ पर चौथी बॉल शॉट अच्छा है, सिंगल मिलेगा. बहुत देर से प्रिंस का बॉल पे स्ट्रगल कर रहा था इसलिए सिंगल ले लिया. 99 रन हो चुका है 17 ओवर पे बट 3 विकेट गिर गया, ये सबसे खराब बात है. बट यहाँ पर ब्यूटीफुल ड्राइव एंड यहाँ पर 4 रन. इसी के साथ टीम का भी 100 रन कंप्लीट होता हुआ. जब जब मौका मिलेगा मैं तब तब तो मारूंगा ही. नेस्टी बाउंसर. तीसरा बॉल इस ओवर का. ओके पहला छक्का हो सकता है. रिटर्न में बॉल आया था एंड यहाँ पर पहला 6 स्टेट लेवल पे भाई पहला छक्का मारा, वो भी कवर के ऊपर से. बहुत ही बढ़िया 6 रन. मैं आज बहुत ही ज्यादा फॉर्म पे हूँ. ओ भाई क्या सही शॉट लगाया. छक्का मारने के बाद सिंगल ले लिया, दिमाग लगाया. मुझे थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है. अच्छा खासा स्कोर, कम से कम 250 रन तक तो पहुंचना है मैच जीतना है तो. पिछली वाली मैच हार चुके थे तो ये वाला मैच जीतना जरूरी है यार. 6 विकेट गिर गया. ओ माई गॉड भाई उस साइड से तो विकेट गिरे जा रहा है. अब स्ट्राइक भी मुझे ही रखना पड़ेगा. मेरे पास एक तो दूसरा साइड से विकेट गिर रहा है, ऊपर से मेरे सामने यहाँ पर स्पिनर आ चुका है. अब तो भाई ये लगने वाला है. तीसरा बॉल इस ओवर का फुल टॉस था इसीलिए ड्राइव किया बट पीछे बंदा तो खड़ा है. बट वो खड़ा वाला बंदा भाई क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है क्या. अबे 4 रन नहीं है क्या, 50 हो गया भाई. क्या था ये, वो थ्रो क्यों किया. 4 रन हो गया भाई क्योंकि वो बाउंड्री के बाहर चला गया भाई. 4 रन यहाँ पर 50 हो गया. मैंने पिछली मैच पे भी 50 रन बनाया था एंड इस वाली मैच पे भी ऑलरेडी 50 रन बना के बैटिंग कर रहा हूँ. उम्मीद करूंगा यहाँ से और भी ज्यादा रन बनाने का क्योंकि भाई टीम का तो स्कोर सिर्फ 150 ही हुआ है अभी तक. और भी तो ज्यादा रन बनाना पड़ेगा ना, जीतने के लिए कम से कम 250 रन चाहिए. 2 बॉल बाकी है इस ओवर में. अच्छा शॉट है, सिंगल तो मिल ही जाएगा. भागो. ओके बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यार. इस टाइम पे स्पिनर क्यों लेकर आए हो यार. वैसे ही टीम दिक्कत पे है, मैं भी दिक्कत पे हूँ. मतलब मैं दिक्कत पे नहीं हूँ, मैं सेट होकर बैटिंग कर रहा हूँ बट मुझे रन चाहिए यार. 7 विकेट गिर चुका है भाई साहब. तुम कर क्या रहे हो यार, खड़ा हो जाओ. रन में बना लूंगा, तुम लोग सिर्फ खड़ा रहो ठीक है, रन में बना लूंगा. 4 रन मार दिया ना यहाँ पर. भाई तू इतना उदास क्यों है, नेक्स्ट मैच पे तेरे को भी प्लेइंग 11 पे मौका मिलेगा, उदास मत हो भाई. प्रिंस का 2 ओवर बाकी है, थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा. अबिन ये प्रिंस ने तो भाई ए लगा दिया भाई. एंड विकेट कीपर का बेहतरीन कैच. मैंने बोला भाई प्रिंस का 2 ओवर बाकी है, थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा. भाई साहब कहेज दिए हो बट यार विकेट कीपर ने क्या ही कैच पकड़ा. बढ़िया बैटिंग तो मैंने किया, 68 बॉल पे 63 रन बनाया. थोड़ा सा डिफिकल्ट पिच था बट रन बनाया हमने. मुझे यहाँ पर बॉलिंग मिल चुका है, 3 मैच पे 3 विकेट लिया. वो 3 विकेट एक ही मैच पे लिया. वैसे जॉस हेजलवुड वाला बॉलिंग एक्शन के साथ मैं आज यहाँ पर बॉलिंग कराने वाला हूँ. पहला बॉल नाइस शॉट, सिंगल मिलेगा भाई. 192 का टारगेट है एंड ऑलरेडी 101 रन बन चुका है 19 ओवर पे 1 विकेट के नुकसान पे. ओवर थ्रो कहे कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास रन नहीं है तुम लोग भाई ओवर थ्रो कर रहे हो यार. तुम ऐसे मैच जीतोगे कैसे चलेगा भाई. लोग अभी सिंगल भी लेगा ना तब भी मैच जीत जाएगा क्योंकि विकेट तो है बहुत ही ज्यादा इन लोगों के पास. अभी भी 1 विकेट तो ले ले ब्रो. अरे भाई क्या सही बॉल था. लग रहा है यहाँ पर एक विकेट मुझे मिलने वाला है, लग तो रहा है इनसाइड एज. डैम यार कोई ना सिंगल. मुझे इस एक्शन से बॉलिंग कराने के बाद इतना पता चल चुका है मेरे लिए आर्चर का एक्शन ही सही है. तो करियर मोड की आने वाले एपिसोड, अगले एपिसोड जो भी आएगा वो मैं जोफ्रा आर्चर के एक्शन के साथ ही जाने वाला हूँ. 30 ओवर हो चुका है, अभी 20 ओवर का खेल बाकी है. ओ डैम यार एज लगा था, बढ़िया बॉल था.
स्लीप होता तो कुछ बन सकता था। चार ओवर एक बॉल पे 14 रन दिया, एक भी विकेट नहीं ले पाया, वो अलग बात है। ब्यूटीफुल ड्राइव। ये जो बी पंडित है ना, कहाँ का पंडित है मुझे पता नहीं है भाई, कहाँ का पंडित है, कौन सा पूजा करता है तू। राजू भाई आउट हो जाओ, तीसरा बॉल। अरे नाइस बॉलिंग राजू भाई। अपन को राजू भाई का विकेट मांगता है यहाँ पर, इसीलिए स्लिप लेकर आ चुका है। बट राजू भाई ने क्या सही गैप ढूंढ के निकाला यार, स्लिप भी था पॉइंट भी था, उसी गैप से शॉट खेला है। 4 रन यस मिल गया। 5 ओवर 2 बॉल पे 21 रन दिया, मतलब इकोनॉमिकल बोलिंग तो मैंने किया, विकेट नहीं ले पाया वो अलग बात है, बट रन भी नहीं दिया। अपुन ने ठेका थोड़ी लेकर रखा है, जो रन भी अपुन बनाएगा विकेट भी अपुन लेगा। पता नहीं इस वाले पिच पे बॉल का मूवमेंट ज्यादा हो नहीं रहा है, इनिंग्स के स्टार्टिंग पर हो रहा था, बट ये क्या शॉट है भाई। राजू भाई ये तुम कैसे शॉट मारते हो ब्रो। तो यहाँ पर बड़ौदा मैच जीत चुका है 6 विकेट के साथ, एंड हम लोग भाई 191 रन बनाए थे, और क्या मैं कह सकता हूँ, एंड मैंने 63 रन बनाया भाई, बाकी कोई चल ही नहीं रहा है भाई, कोई तो रन बना लो। विकेट मैंने नहीं लिया, सिर्फ 4 विकेट गिरा, एक रन आउट हुआ। सवेज अहमद ने एक विकेट लिया, बाकी दोनों ने एक एक विकेट लिया भाई, कोई विकेट भी नहीं ले पा रहा है, रन भी नहीं बना पा रहा है, क्या करे। बॉबी प्रिंस प्लेयर ऑफ द मैच है, 5 विकेट लिया है बंदे ने। तो यहाँ पर मुझे बैटिंग मिल चुका है, एंड नेक्स्ट मैच यहाँ पर दिल्ली के साथ होने वाला है, एंड बंगाल टॉस जीत के यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला किया। 20 ओवर के बाद 143/3, आज अच्छा खासा बैटिंग तो किया है बंगाल ने, यहाँ से बड़ा स्कोर बनाना तो भाई चाहिए। एंड गाइस मैं इस वाले मैच पे फिर से अपना एक्शन चेंज कर लिया, मतलब बॉलिंग एक्शन, जोफ्रा अर्चर वाला एक्शन के साथ मैं आ चुका हूँ। आप तो भाई विकेट ही विकेट लेंगे, एंड यहाँ पर 4 रन, ब्यूटीफुल रिवर्स स्वीप, एंड 4 रन। 2 बॉल बाकी है, 2 चौका इजीली मार देंगे हम, क्योंकि हम तो भाई स्वीप किंग है, रिवर्स स्वीप किंग। लास्ट बॉल पे भी क्या चौका लगा पाएंगे, हो भाई चौका का हैट्रिक, हो जाना चाहिए, हो गया हो गया हो गया। यस जॉनी सिंस को समझाने आया है भाई, बोल रहा है भाई जॉनी सिंस तू पेलता है, आज तो तेरे को पेल दिया। दूसरा बॉल इशू ओवर का, अच्छा शॉट भाई, गलत टाइमिंग यहाँ पर फील्डर का, अगर सही टाइमिंग से जंप करता तो कैच हो सकता था। 4 विकेट गिर गया यार, मैंने तो उम्मीद नहीं किया इतना जल्दी और एक विकेट गिर जाएगा। 4th बॉल ऑफ दिस ओवर, रन बनाना पड़ेगा, 4 विकेट गिर गया, अब जो करना है मुझे ही करना है। सावेज अहमद भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, आई नो दैट, बट फिर भी अपुन के ऊपर अपुन का भरोसा है, कॉन्फिडेंस। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, ओह हो ब्यूटीफुल शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, एंड यहाँ पर 4 रन भी मिल जाएगा। बॉलिंग पे मैं विकेट नहीं ले पा रहा हूँ, बट बैटिंग पे मैं अच्छा फॉर्म पे हूँ। ओके रूम मिला था, उठा के शॉट मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एंड यहाँ पर 2 बाउंस 4 रन। 38 ओवर हो चुका है, अब थोड़ा सा हिटिंग करना तो बनता है। दूसरा बॉल इस ओवर का, ओ माई गॉड, गलत कर दिया भाई, लालच बहुत बुरा चीज है भाई। पहली बॉल पे, मतलब इसके पिछली वाली बॉल पे जब चौका मारा, इस वाली बॉल पे सिंगल लेना चाहिए था, बट हवा में शॉट खेला, खत्म, टाटा बाय बाय। बॉलिंग यहाँ पर मुझे मिल चुका है, 4 मैच पे 3 विकेट। इस वाली मैच पे चोपड़ा आर्चर के एक्शन के साथ आया हो तो विकेट तो लूंगा ही लूंगा। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल, तीसरा बॉल इस ओवर का, कैच गॉन, यस भाई यस, झटका दे दिया भाई, इन स्विंग बॉल था, एज लगा, एंड विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया। मैंने बोला ना चोपड़ा आर्चर वाला एक्शन मेरे लिए सही है भाई, भाई एक्शन, ए वाला एक्शन पे ही विकेट मिल गया यार, दैट्स गुड। इन स्विंग बॉल था, बढ़िया बॉल था, पहला ओवर पे मैंने विकेट ले लिया, दैट्स गुड फॉर मी। ओ डैम अगेन एज, अबे तू कहाँ लेट गया भाई, भाग भाग, बॉल पकड़ बॉल पकड़, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू नहीं पकड़ पाया तो मैं पकड़ लूंगा। तीसरा बॉल इस ओवर का, डैम इनसाइड एज लगा था, ओके कभी तो आउटसाइड एज भी लगाएगा, उस टाइम पे विकेट कीपर कैच कर लेगा, ठीक है, एक स्लोअर योर्कर तो बनता है, लेट्स गो। अरे वेट करके अच्छा शॉट मारा, बढ़िया शॉट डेविड चान। मैंने 3 ओवर पे 16 रन दिया, एंड एक विकेट भी ले चुका हूँ, एंड अभी एल बी का अपील तो करूँगा, बट आउटसाइड द लेग स्टंप है मुझे पता है, बट फिर भी भाई अपील करने से क्या जा रहा है, अगर गलती से उंगली खड़ा कर देगा तो भाई मेरा नाम पे ही विकेट आ जाएगा ना। कमन ब्रो और एक विकेट, अरे हवा में शॉट मार दिया, कैच हो सकता है, नहीं 4 रन, बढ़िया शॉट। विकेट पे बॉलिंग करूंगा तो ये लोग मारेगा, तो ऑफ स्टंप के बाहर ही करना पड़ेगा, अरे नाइस। पहला स्पेल पे मैंने 4 ओवर पे 24 रन देकर एक विकेट लिया, एंड सेकंड स्पेल मिला है, अभी मैच यहाँ पर हो चुका है इंटरेस्टिंग, क्योंकि 139 पे 3 विकेट गिर चुका है, एंड नीतीश राणा बैटिंग कर रहा है 18 रन बना के, एंड भाई मेरा स्वागत यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट मार के किया, नीतीश राणा बहुत बढ़िया प्लेयर है, मानना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर हर हाल में नीतीश राणा का विकेट लेना पड़ेगा ही। कैच इट कैच इट कैच इट। 5 ओवर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अभी 5 ओवर बाकी है, इसका मतलब ये नहीं तुम हवा में शॉट खेलोगे राणा जी, मैं मानता हूँ तुम अच्छा बैट्समैन हो यार, थोड़ा सा तो रहम करो राणा जी। 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल में एक विकेट चाहिए, बोल्ड
भाई क्या बॉल था, ओ माय गुडनेस, अंदर आता हुआ बॉल था भाई भाई भाई, बैट्समैन पूरा बीट हो गया भाई, क्या बॉल था, दिमाग खराब कर देना बॉल था भाई। अभी तो करियर मोड पे मैं इसी वाली एक्शन से बॉलिंग करूंगा भाई, क्या शानदार बॉल था भाई, क्या ही अंदर आया देखो, ओ माय गुडनेस क्या बॉल था। राणा जी ऑन स्ट्राइक, लास्ट बॉल पे अगर राणा जी का विकेट मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा, बट राणा जी तो कॉन्फिडेंटली अच्छा बैटिंग कर रहा है, मानो या ना मानो मेरे सामने राणा जी भी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, एज वगैरह लग रहा है, एज लगने के बाद अगर 4 रन चला जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। राणा जी यहाँ पर अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है तो राणा जी का विकेट बनता है, एज लगा कोई ना, पीछे फील्डर है, 1 रन मिलेगा। 80 बॉल पे 107 रन चाहिए, हाथ पे है 6 विकेट, तो मैच तो दिल्ली जीत सकता है, अगर हम यहाँ पर विकेट ले लेंगे तो अलग बात है। मेरा स्पेल का आखिरी ओवर यहाँ पर, एंड विकेट लेना बनता है आखिरी ओवर पे, एंड अच्छा शॉट, गैप पे भी शॉट मारा, अरे 4 रन मार दिया राणा जी। अगेन बंगाल यहाँ पर मैच हार चुका है, दिल्ली मैच जीत चुका है, 39 रन प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है क्योंकि बंदे ने 100 रन बना दिया। मैंने अच्छा बॉलिंग किया भाई, हमारे टीम का कोई भी बॉलर चल नहीं रहा है। पहला 2 मैच हम लोगों ने जीता था क्योंकि उस टाइम पे था हमारे पास मोहम्मद शमी, जिसने भाई विकेट ही विकेट ले लिया था। अभी मोहम्मद शमी जब से हमारे टीम पे नहीं है, आई थिंक अवेलेबल नहीं है, कंट्री के लिए खेल रहा है इसीलिए मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा है, उसके बाद से हम लोग सिर्फ हारे जा रहे हैं, कोई विकेट नहीं ले पा रहा है। सीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड बंगाल फिनिश द इंडियन वंडर सील्ड पूल ए इन 3rd पोजीशन, यह मिस द फाइनल। अरे भाई 2nd पोजीशन पे आते तो फाइनल खेलते, बट 3rd पोजीशन इसलिए फाइनल मिस कर लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है मार्शफील्ड शील्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच होता है, एंड भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे जाके खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वाला एपिसोड पे फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट मैच होगा भाई, मजा ही मजा आ जाएगा। तो इस वाले वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन डेफिनेटली दबा देना, एंड नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपना अटेंडेंस लगा दो, तभी मुझे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देख रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मेरे चैनल को प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।